आदरांजलि भी है। तो तमाम सहयोगी देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ आशिका भी कोलकाता से मौजूद है, हमारे साथ आनंद भी इस वक्त मौजूद है। जल्दी से पहले आशिका का रुख कर लेते हैं। आशिका, कोलकाता की क्या तस्वीरें, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि यहाँ पर टीका लग चुका है और सबसे पहले जिनको टीका लगा है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर हैं इनसे। डॉक्टर बिपाशा, डॉक्टर आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? यहाँ पर ये जो डॉक्टर हैं, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ताली बजा करके जो स्टाफ है वो इनको बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले जो टीका है वो लग चुका है, जो भी लोग अभी तक जिन्हें टीका लगा है सभी स्वस्थ हैं। तो ये अच्छी खबर कोलकाता से है कि टीकाकरण ना कि शुरू हो चुका है बल्कि यहाँ पर 3-4 लोगों को टीका लग चुका है और सभी स्वस्थ भी हैं। ठीक है आशिका, आप जरूर रहिए साथ। जावेद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और नोएडा में मौजूद है। जावेद, वहां पर क्या पहला टीका लग चुका है? देखिए, राजीव गांधी अस्पताल में हम मौजूद हैं, पहला बैच अंदर जा चुका है। 10-10 के बैच में जो है जो लाभार्थी हैं जिनको लगेगा वो अंदर जा चुके हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आपको टीका लगेगा कितनी देर में, नंबर आएगा? अरे एक मिनट यार, अभी 10-15 मिनट। अच्छा, मैसेज आया आपको? बताया असिस्टेंट ने अभी। देखिए आप बताइए, आप यहाँ किस डिपार्टमेंट में और क्या कहेंगे, आज टीका लगने जा रहा है आपको, आप इंतजार कर रहे हैं? मैं आरएम हॉस्टल में हूँ। अच्छा, कोविड स्टोर में। हाँ। तो अच्छा ही लग रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए सबसे पहले हमें चुना गया है। अच्छा, तो देखते हैं वैक्सीन लगवाने के। देखिए वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है जिस तरह से देश भर में। आज हमें हर्ष की बात है, मैं यही राजीव गांधी में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे हूँ। अच्छा, रोक रही हूँ जावेद, देखिए टीकाकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। दो तस्वीरें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, वहां पर भी देखिए एक स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त मौजूद है जिनको टीकाकरण लगना है, और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर भी डॉक्टर गुलेरिया इस वक्त नजर आ रहे हैं और ये भी जो है इनका भी वैक्सीनेशन होना है, उसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें, एम्स से जो सामने तस्वीर आ रही डॉक्टर गुलेरिया को आप देख रहे हैं, वो अब टीका लगवाने जा रहे हैं। और जैसा कि पहले ही बताया गया था, पहले चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें ही टीका लगाया जाएगा और ये प्रक्रिया फिलहाल एम्स में आप देखिए शुरू है टीका लगाने की। और इससे पहले कोलकाता की भी हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर जो प्रोसेस है जब टीकाकरण हो रहा है उसके बाद 30 मिनट के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है, अगर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होता है, एक दिक्कत आती है तो उससे भी निपटने की तैयारियां अस्पतालों में की गई हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो कोलकाता में हमने देखा, एक लोग वहां से निकले स्वास्थ्यकर्मी थी वो जिनका टीकाकरण हो चुका है। वहीं इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें दिल्ली से, ये तस्वीरें आ रही हैं एम्स से जहां पर टीकाकरण जो है वो शुरू है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, देखिए उनको इस वक्त देखिए टीकाकरण उनका किया जा रहा है और चेहरे पर एक वो भाव भी है देखिए, क्योंकि एक डॉक्टर तो ये पूरे इस दौर से गुजरा है जब उससे एक से कोरोना पीड़ित लोग पहुंच रहे थे, कितने दर्द में पहुंच रहे थे, किन्हीं किन्हीं की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन सब से उन्होंने पार पाया है। और आज वो घड़ी है जब एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है टीकाकरण का, एक बड़ा अभियान। डॉक्टर हर्षवर्धन भी देखिए वहां पर मौजूद है, वो सुबह ही वहां पहुंच गए थे, खुद वो नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले ही भाषण भी दिया, उन्होंने इसकी शुरुआत भी की और इसी के साथ साथ जो प्रक्रिया है वो देखिए अब आगे बढ़नी शुरू हो गई है। और ऐसे देश में 3000 सेंटर्स बनाए गए हैं और लक्ष्य फिलहाल ये रखा गया कि 100 लोगों का एक सेंटर जो हो वहां पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो, ये कोशिश, ये तैयारी की गई है। इससे पहले 3 महीने से देखिए ड्राई रन भी हुआ ताकि किसी प्रकार की दिक्कत लास्ट मोमेंट पर ना आए। यहीं पर 30 मिनट का इंतजार भी अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको करना होगा, वहां अगर कोई साइड इफेक्ट या किसी प्रकार की कोई दिक्कत जिन्हें टीका लगाया गया उनको अगर होती है तो उससे निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं। खुद देखिए हर्षवर्धन, डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, नजर वो बनाए हुए हैं। और वहां ये जो लोग हैं अब देखिए धीरे धीरे सबका टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है, ये तस्वीर हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और आशिका कुछ कहना चाह रही थी बीच, कोलकाता का रुख आशिका।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात कराऊंगी डॉक्टर बिपाशा से, जो सबसे पहले जिनको यहाँ पर टीका लगा है। आप बिल्कुल ठीक है? एकदम ठीक है। आई बी ज्वाइनिंग माई ड्यूटी नाउ। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों से क्या कहेंगी, टीका लगने के बाद भी मास्क पहनना है? एकदम बिल्कुल मास्क पहनना है, हाथ धोना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, एंड इफ दे डेवलप सिम्टम्स एट ऑल दे शुड अगेन आइसोलेट देमसेल्व्स एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड। इतने महीने से बिना वैक्सीनेशन के काम करना क्या मुश्किल हुआ, कितना मुश्किल हुआ? मुश्किल क्या बोलूँ, वी वेर ऑन PPE, आवर हॉस्पिटल प्रोवाइडेड एवरीथिंग, सो इट वॉज अवर जॉब, यू नो वी हैड टू डू इट। ठीक है आशिका, मैं आ रही हूँ, जनक का भी जल्दी से रुक कर लूँ। जनक अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो वहां पर भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, टीका लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप बिल्कुल देखिए अर्पिता, मैं फिलहाल अभी अहमदाबाद के SPP अस्पताल में हूँ। SPP के जो चीफ हैं डॉक्टर मलहान, उनको टीका लग चुका है। और मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स पूरे वही जो भारत के कैसे करेंगे लोगों के मदद से, जिन्होंने ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है। ग्राउंड में और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और मुझे अंदर देखी जाएगी कोविड के खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से कोविड वॉरियर के रूप में पूरे साल ग्राउंड जीरो पर रहकर सब प्रकार के खतरों को मोल लेकर देशवासियों को सचेत किया, सही जानकारियां दी, उसी प्रकार से अब फिर जब बहुत सारे स्वार्थी तत्व भारत में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर गलत फहमियाँ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सच्चाई, सच्ची खबर देशवासियों के साथ शेयर करेंगे, उनको सही जानकारी देंगे, सही नॉलेज देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रयास से भारत को आने वाले समय में कोविड के खिलाफ भी भारी सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि अब इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन अब आ चुकी है, लेकिन एहतियात अभी भी लोगों को बरतनी है। उन्होंने इस बात से खुशी जताई कि जो मेहनत इतने दिन से हमारे वैज्ञानिक कर रहे थे वो सफल हुई है, और उसकी तैयारियों में इतने दिन से वो भी लगे हुए थे, खुद भी बहुत जगह वो पहुंचे जहां उन्होंने खुद निरीक्षण किया, उन जगहों पर जाकर अब जब फाइनल वो दिन आया है जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो ये उनके लिए बहुत खुशी का क्षण है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।